नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं आज जयगढ़ किले के शाही खजाने का क्या रहस्य है। दोस्तों, भारत को प्राचीन काल में यूं ही नहीं सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहा जाता है कि मध्यकाल में जब भारत पर कई मुस्लिम आक्रमण हुए तो यहाँ के राजा महाराजाओं ने अपनी धन संपदा को बचाने के लिए छुपा दिया। इनमें से कई खजाने इतने विशाल हैं कि आज की तारीख में तो भारत की आर्थिक स्थिति भी बदल सकते हैं। मित्रों, ऐसे ही एक खजाने के बारे में कहा जाता है कि वो राजस्थान के जयगढ़ किले में छुपा हुआ है। जयगढ़ किले का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि इस किले में आज भी अरबों खरबों का खजाना सोना चांदी और रत्नों के रूप में छिपा हुआ है। सवाई जयसिंह मुगल बादशाह अकबर के सिपा सलाहकार थे और कहा जाता है कि उनकी वीरता से प्रभावित होकर राजा मानसिंह और अकबर के बीच में एक संधि हुई, जिसमें यह तय किया गया था कि राजा मानसिंह जिस किसी भी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करेंगे वहां बादशाह अकबर का राज होगा, लेकिन वहां से मिले धन संपदा पर अकबर का राज नहीं होगा बल्कि राजा मानसिंह का हक होगा। पुराने दस्तावेज इशारा करते हैं कि अनेक युद्धों की जीत से मिले बेहिसाब धन दौलत को राजा मानसिंह ने कई किलों में छुपा कर रखा था। उनके पश्चात जयसिंह द्वितीय ने सन 1726 में जयगढ़ दुर्ग बनवाया था। कैसे पता चला इस खजाने का? दोस्तों, आजादी के बाद यह जानना बहुत जरूरी है कि कैसे पता चला इस खजाने का। तो दरअसल जयगढ़ के पुराने किलेदार के एक वंशज बाला बख्श के पास चमड़े के कुछ दस्तावेज थे और जयसिंह खवास के पास जयसिंह का लिखा बीजक था। उसकी मृत्यु के बाद उसके परिजनों ने सरकार द्वारा घोषित इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट में खजाना बताने वाले को कुल संपत्ति के 2% भाग देने के लालच में सरकारी अफसर को इस खजाने की सूचना दे दी। यहाँ ये भी कहना जरूरी है कि जयपुर रियासत में बड़े ओहदे पर रहे राव कृपाराम के पुत्र राव किस्तूर चंद के परिवार ने इसी तरह के दस्तावेज जयपुर के आखिरी महाराजा सवाई भवानी सिंह को सौंप दिए थे, जिसमें लगभग वही सभी विवरण थे जो बाला बख्श के परिवार के पास पाए गए बीजकों में थे। इसके अलावा अरबी पुस्तक तिलिस्मात ए अंबेरी में भी इसका उल्लेख है कि जयगढ़ किले में 7 टाकों के बीच हिफाजत से दौलत छुपाई गई थी। इन सारी बातों से तत्कालीन सरकार के कान खड़े हो गए और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान जयगढ़ किले में 5 महीने तक मिले बीजक के अनुसार इस खजाने की खुदाई करवाई। भारत सरकार ने खजाना खोजने के लिए सेना की 37वीं इंजीनियर्स कोर को बुलाया और 5 महीने में खुदाई पूरी होने के बाद जनता को यह बताया गया कि महज 230 किलो चांदी और चांदी का सामान ही मिला है। सेना ने इन सामानों की सूची बनाकर और राज परिवार के प्रतिनिधि को दिखाई और उसके हस्ताक्षर लेकर सारा सामान सील कर दिल्ली ले गई। इस खुदाई में मिले सामान पर हमेशा से ही विवाद रहा है, क्योंकि खुदाई के दौरान सेना के ट्रकों का काफिला जब दिल्ली लौटने लगा तो तत्कालीन सरकार ने जयपुर दिल्ली का राजमार्ग पूरे दिन बंद कर दिया और उसकी सुरक्षा में हथियारबंद सैनिक तैनात थे। मित्रों, यहाँ यह सोचने वाली बात है कि यदि खुदाई में मात्र 230 किलो चांदी मिली तो खुदाई के बाद जो ट्रकों का काफिला दिल्ली लौट रहा था उस काफिले के रास्ते को पूरा दिन क्यों बंद रखा और सुरक्षा में हथियारबंद सैनिक क्यों तैनात किए गए? अफवाह है कि यह सारा ऑपरेशन इंदिरा गांधी के आदेश और संजय गांधी के निरीक्षण में हुआ और ट्रकों का सारा सामान दिल्ली छावनी में रख दिया गया। हालांकि इंदिरा गांधी ने कहा कि यह कोई खजाना नहीं मिला, मगर इसी दौरान पाकिस्तान के सदर जुल्फी अलीकार भुट्टो ने इस खजाने से पाकिस्तान का हिस्सा मांग लिया।
अगस्त 11 अगस्त 1976 को भुट्टो ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा कि विभाजन के बाद के समय ऐसी किसी भी दौलत की अविभाजित भारत को जानकारी नहीं थी। विभाजन के पूर्व के समझौते के अनुसार जयगढ़ की दौलत पर पाकिस्तान का भी हिस्सा बनता है। भुट्टो ने लिखा था कि पाकिस्तान को यह पूरी आशा है कि खोज और खुदाई के बाद मिली दौलत पर पाकिस्तान का जो हिस्सा बनता है वह उसे बगैर किसी शर्तों के दिया जाए। इंदिरा गांधी ने 31 दिसंबर 1976 को भुट्टो को लिखे अपने जवाब में कहा कि उन्होंने विधि विशेषज्ञों को पाकिस्तान के दावे के औचित्य की जांच के लिए कहा था। विशेषज्ञों की राय है कि पाकिस्तान का कोई दावा ही नहीं बनता। इंदिरा गांधी ने यह भी लिखा कि जयगढ़ में किसी तरह का खजाना नहीं मिला। अब सवाल है कि आखिर खजाना गया तो गया कहाँ? इसके जवाब में जयपुर राज परिवार का कहना था कि खजाने का एक बड़ा हिस्सा जयपुर को बसाने में खर्च हो गया था। पर मित्रों, दस्तावेज इशारा करते हैं कि मानसिंह द्वितीय ने अपने काल में जयगढ़ के खजाने के एक बड़े हिस्से को मोती डुंगरी में रख दिया था। इसकी पुष्टि कानोता के जनरल अमर सिंह की डायरी से भी होती है, जिसमें लिखा है कि मानसिंह ने जयगढ़ के किलेदारों को बदल दिया और भारी मात्रा में सामान यहां से लेकर कहीं और ले गए। कुछ पुराने लोग कहते हैं कि खजाने का पता चल गया था, लेकिन श्राप के डर से उसे निकालने की हिम्मत कोई न कर सका। तो कुछ लोग संजय गांधी की असमय मौत से भी इस खजाने को जोड़ते हैं। यह बहुत बड़ा रहस्य है। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार जयगढ़ के अंदर जब अफसरों ने जयसिंह खवास को डपटकर वास्तविक खजाने की जानकारी देने को कहा, तो जयसिंह खवास ने काल भैरव के प्राचीन मंदिर के तल को खोदने के लिए कहा था, लेकिन श्राप के बारे में भी चेताया था। इसके बाद ही सेना को खुदाई का काम दिया गया। हालांकि आपातकाल में खजाने की खोज के लिए केंद्र ने 25 फरवरी 1976 को इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था। बाद में ब्रिगेडियर भवानी सिंह के प्रयासों से मई 1982 से यह किला दोबारा राज परिवार की संपत्ति बन गया। भवानी सिंह ने 11 दिसंबर 1982 को जयगढ़ का कब्जा लेने के 3 दिन बाद ही इस किले को जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत करा लिया। 27 जुलाई 1983 को किला सार्वजनिक हो गया, लेकिन आज भी इस खजाने को लेकर चर्चा और कहानियां चलती रहती है, विशेष करके जयगढ़ किले के खजाने को लेकर और संजय गांधी की मौत को लेकर और इस किले में श्राप को लेकर भी अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है। तो मित्रों, उम्मीद है आपको जयगढ़ किले के शाही खजाने के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। अगली बार किसी और टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।